हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर सभी पीएसएल निवेशकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। पीड़ित आप भी हैं, पीड़ित हम भी हैं दोस्तों। एक पीड़ित ही पीड़ित के दर्द को समझता है। पीड़ित के भाई किस जगह पर अपने छोटे छोटे संगठन बना रहे हैं, ये एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों, जो हमारे सामने हिंदुस्तान टाइम्स में आई है दोस्तों। ये बहुत लेटेस्ट खबर है दोस्तों। खबर सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी के अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स में यह क्या खबर आई है। काशीपुर भारतीय निवेशक एकता मंच के बैनर तले शुक्रवार को पीएसएल कंपनी के एजेंटों और निवेशकों ने बैठक कर रुका धन दिलाने की मांग की। इस दौरान पल्स संघर्ष समिति का गठन किया गया। मोहल्ला कटरा मालियान में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पल्स ग्रुप को सरकार की संस्था से भी भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड ने 3 वर्ष पहले बंद कर दिया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सेनावृत्ति जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। पल्स ग्रुप की सभी संपत्तियों को बेचकर निवेशकों का भुगतान 6 माह की अवधि में करने का आदेश। आरोप है कि आदेश के बावजूद भी सरकार ने 3 साल ऐसे ही काट दिए और भुगतान नहीं किया, जबकि सरकार ने ग्रुप की संपत्ति व बैंक अकाउंट सील कर अपने कब्जे में ले लिए थे। इस दौरान संघर्ष समिति का गठन किया, इसमें गंगा सिंह जी दोस्तों, ये जो यहाँ पर संगठन बनाया गया उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि संघर्ष समिति का गठन किया गया। इसमें गंगा सिंह बगड़वाल को अध्यक्ष, परमानंद ज्वाल को उपाध्यक्ष, इंदिरा मरनाल को मंत्री, अंजू सिंह कोषाध्यक्ष, मालती गड़िया व नंद सिंह बिष्ट को संगठित मंत्री, हरपाल सिंह व कृष्ण मोहन गुप्ता को प्रचार मंत्री, कृष्ण पाल सिंह को संयुक्त मंत्री बनाया गया, जबकि पुष्पा तिलारा, विमला देवी, जसवीर सिंह को, राजेंद्र प्रसाद शर्मा व विजय रातेला को सदस्य चुना गया दोस्तों। ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। आपसे भी हमारा अनुरोध है, आप भी छोटी छोटी अपनी धरने प्रदर्शन की तैयारी करें, संगठित रहें।